अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की फॉर्मुलेशन 1000 प्रैक्टिकल आइडिया पूरी सीरीज़ में हैंड वॉश की है, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश और क्रीमी टच, थोड़ा पर्ली टच के साथ, और एंटी बैक्टीरियल भी होगा ये इंशाल्लाह। और इसमें थोड़ी सी साथ हम आपको आज एक स्पेशली चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि जो हम हैंड वॉश अभी बनाएंगे, जो आप हम प्रोपोर्शन शैम्पू बेस टू वाटर बताएंगे, वो अपने शैम्पू बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हमें उनके मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देनी, क्योंकि हम अपना शैम्पू बेस प्रमोट कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि ये हमारा जो शैम्पू बेस जो इस थिक फॉर्म में है, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हैंड वॉश में कितना डालना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg के बेच में कितना डालना पड़ेगा, या 1 kg ये डालेंगे और कितना पानी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आज वो चीज़ भी इंशाल्लाह आपको हम इसके साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि कितना हमने शैम्पू बेस लिया, कितना पानी लिया, उसका क्या प्रोपोर्शन बना। और ये कहने का मकसद ये है कि जैसे शैम्पू बेस की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, तो हमने एक बहुत मुनासिब एक प्राइस पैकेज इसका रखा हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी R&D इस पर भी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस फॉर्म में भी हम अलग मदद से इसको जहाँ तक लेके आए हैं, तो इससे बेहतर भी इंशाल्लाह होने की उम्मीद है कि एज ऑफ टुडे ये कितना पानी उठाता है। और मार्केट में जो शैम्पू बेस हैं जो 500+ में है, और हम 300+ में एक चीज़ दे रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है प्राइस का, तो इसमें लाजिम बात है वो क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करके आपको एट द एंड अपने बेच में कहाँ बेनिफिट आ रहा है, तो ये एक्सप्लेन करना भी इसमें मकसूद है। तो 1 kg की फॉर्मुलेशन जिसमें पानी 760 ml 760 g वेट करके हमने रखा हुआ है, और इसको अब हम शुरू करते हैं। और इसमें नेक्स्ट सबसे पहले हम डाल देंगे EDTA 5 g इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 5 g EDTA डिजॉल्व कर लेते हैं जी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शैम्पू बेस हमने 108 g ये वेट करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये जो इसका प्रोपोर्शन बन रहा है वो 1:7, यानी कि आपने 1 kg शैम्पू बेस लिया तो उसमें 7 liter या 7 kg तक आप पानी डाल सकते हैं। मार्केट में जो चल रहे वो आप लोगों के सामने होंगे, आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, उसमें आप कितना कर रहे हैं। तो ये आपके सामने हम 1:7 से एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं, वो आपको दिखा देंगे कि किस थिकनेस में से इंग्रेडिएंट 5 g जो है वो हम इसमें ग्लाइसरीन डाल देते हैं, 5 g अप्रोक्सीमेटली हम डाल देते हैं 5 g। और नेक्स्ट इसके साथ ही इन्हांस्ड मॉइस्चराइजिंग के लिए स्किन के ऊपर प्रोपेन डायोल, वो भी 5 g प्रोपेन डायोल 5 g। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो कोको बिटेन, इसमें 55 g। इसके बाद केडी 25 g। इसको थोड़ा सा हम मिल्की अगर टाइप देना चाहें, वाइट टाइप देना है हमने, तो इसमें ZP11 5 g हम डालेंगे। ये साथ ही ये मिल्की हो गई जी। अब इसमें अगर हम ये चाहें कि थोड़ा पर्ली टच आ जाए, पर्ल इसके अंदर थोड़ा ऐड कर लेंगे इसके अंदर, वो भी 1 kg में जस्ट 8 g 8 to 10 g वॉम, ये पर्ल इसमें हमने। अब इसमें
नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है, चूँकि हम एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल बनाना चाह रहे हैं इसको, तो इसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड BKC, ये नॉर्मली 0.1 to 0.5% किसी फॉर्मुलेशन में होता है, हम 0.3% के हिसाब से जस्ट 3 ग्राम ये बनेगा, वो इसके अंदर हम BKC बेंजलकोनियम क्लोराइड ये हम ऐड कर लेते हैं। और अभी तक पहले हम इसकी pH चेक कर लेते हैं कि इस वक्त हमारा हैंड वॉश जो है वो उसकी pH क्या है। जी इस वक्त इसकी pH जो है वो 3 to 7 pH इसकी अच्छी होती है, और ये तकरीबन 6 to 7 के बीच में आ रही है, 6.5 और ऐसे 7 के बीच में, तो हमें मज़ीद pH के ऊपर अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर pH हाई हो तो फिर इसमें सिट्रिक एसिड से हम इसकी pH को डाउन कर सकते हैं। तो 3 to 7 pH एक अच्छी pH होती है स्किन के ऊपर, उसका इफेक्ट अच्छा होता है। अब हम इसकी थिकनिंग करेंगे, और थिकनिंग यू नो, और थिकनिंग से पहले हम इसमें कलर भी दे सकते हैं और फ्रेग्रेंस भी दे सकते हैं। थिकनिंग से पहले अगर दे दिया जाए तो उसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। पिंक कलर हम इसमें दे देते हैं, ये फ्रेग्रेंस इसमें हम अब दे देते हैं जो अवेलेबल। लास्ट हमारा अब इसमें थिकनिंग की है, और थिकनिंग साल्ट से ही हमने करनी है, तो वो सबसे आखिर में ही डालना मुनासिब होता है। एज़ पर रिक्वायरमेंट थिकनिंग के साल्ट इसके अंदर हम स्लोली ऐड करके इसको इसकी थिकनिंग करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश हमारा तैयार हुआ, वो आपको दिखाना था हमने।